हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट बंगाल एफसी से रिलेटेड लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आने वाले आईएसएल सीजन 10 के लिए ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग टीम बनाने को देख रहे हैं और उसी के कारण कार्लोस क्वाड्राट को भी अपनी टीम का हेड कोच बनाया है, जो कि आईएसएल विनिंग कोच है। और आज से कुछ दिनों पहले यह खबर था कि फॉर्मर बेंगलुरु एफसी के मिडफील्डर डीमास डेलगाडो, जो अभी फिलहाल रिटायर हो चुके हैं, वो असिस्टेंट कोच बनने के दौर में काफी ज्यादा आगे है। तो दोस्तों, फाइनली ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने कार्लोस क्वाड्राट के साथ डीमास डेलगाडो को अपनी टीम में कंफर्म कर लिया है। तो दोस्तों, कार्लोस क्वाड्राट हेड कोच के तौर पर काम करेंगे और डीमास डेलगाडो असिस्टेंट कोच के तौर पर काम करेंगे। तो दोस्तों, आने वाले आईएसएल सीजन 10 से हम सभी को स्पेनिश फ्लेवर देखने को मिलेगा ईस्ट बंगाल एफसी के टीम के तरफ से। तो नेक्स्ट अपडेट है ईस्ट बंगाल एफसी के एक और बड़े खबर को लेकर। तो दोस्तों, साउल क्रिस्पो, जिन्होंने ओडिशा एफसी के लिए शानदार खेला था, तो खबर है कि ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट ने साउल क्रिस्पो को अपनी टीम में कंफर्म कर लिया है। तो दोस्तों, ये भी एक स्पेनिश फुटबॉलर है। तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि आने वाले आईएसएल सीजन 10 से स्पेनिश फ्लेवर देखने को मिलेगा हम सभी को ईस्ट बंगाल एफसी के तरफ से। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।